Assalamu alaikum viewers, आप देख रहे हैं टीचिंग जोन चैनल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम। दोस्तों आप जानते हैं कि 3 अगस्त को फेडरल बोर्ड ने 10th क्लास का और 5 अगस्त को 9th क्लास का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया। अब फेडरल बोर्ड ने जब 9th 10th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया, अब बारी आई है प्रोविंशियल बोर्ड्स की कि वो भी अपना रिजल्ट जो है अनाउंस करे। अब इसमें कोई मैं आपको ये बता दूं कि जनाब कोई सीक्वेंस नहीं है कि नहीं जनाब पहले ये बोर्ड करेगा फिर ये करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सीन। बाय चांस अब ये सीक्वेंस बना हुआ है इस बार। अब जो है जिस बोर्ड ने बारी ली है फेडरल बोर्ड के बाद वो है केपीके का। जी हाँ, केपीके में मर्दान बोर्ड सूबाई बोर्ड है और ये 9th और 10th का एक साथ रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा है 13 अगस्त। 14 अगस्त से एक दिन पहले 13 अगस्त को ये रिजल्ट अनाउंस होगा। और आप जानते ही हैं कि मर्दान बोर्ड में 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नौशहरा, सवाबी और मर्दान। इन इलाकों के जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक ही बार में जो रिजल्ट है वो 13 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मर्दान बोर्ड की प्रेस रिलीज है उन्होंने जनाब 300 रुपीज मांगे हैं अगर आपको रिजल्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में रिक्वायर है। आप अपनी यूएसपी उन्हें देंगे और 300 रुपये डिपॉजिट करेंगे तब आपको जो है यूएसपी में भी रिजल्ट दे देंगे। बाकी के जनाब सवाबी में कौन से स्कूल में रिजल्ट देंगे, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, नौशहरा में और जो मर्दान है इस शहर में किन किन इलाकों में ये देंगे, इसके लिए वीडियो के एंड पे आपको मुकम्मल प्रेस रिलीज जो है वो लगी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। पंजाब के बोर्ड जब रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कोई प्रेस रिलीज करेंगे, कोई डेट देंगे तो वो मैं इंशाल्लाह जरूर इस चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते ही हैं कि पंजाब में तमाम बोर्ड एक ही दिन अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हैं। 9 के 9 बोर्ड एक ही दिन रिजल्ट अनाउंस करेंगे और उनकी जैसे ही डेट आई वो आपके साथ इस चैनल पर जरूर शेयर होगी। इसलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।